नमस्कार, डीवी न्यूज की खास खबरों में फिर आपका स्वागत है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव हैं, कांग्रेस और बीजेपी दोनों अपनी चुनावी रणनीतियों को जमीन पर उतारने लगी है। इसी बीच राज्य में पेपर लीक के मामलों ने सियासत को गर्मा दिया है। पिछले 4.5 साल में पेपर लीक के 10 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। आगामी चुनाव में यह मामले बड़े मुद्दे बन सकते हैं। यही वजह है कि बीजेपी लगातार कांग्रेस सरकार को घेर रही है। हालांकि गहलोत सरकार भी कानून लाकर युवाओं को साधने की कोशिश में है। माना जाता है कि राजस्थान में गहलोत सरकार के मौजूदा कार्यकाल के दौरान बार बार पेपर लीक के मामले सामने आए हैं, जिसकी वजह से राज्य के 20 लाख से ज्यादा युवा प्रभावित हुए हैं। सत्तारूढ़ सरकार और विपक्ष दोनों को एहसास है कि यह एक ऐसा मुद्दा है जो चुनाव परिणाम को प्रभावित कर सकता है। ऐसे में दोनों दल युवा वर्ग को अपने पाले में करने की कोशिश में लग गए हैं।